वंडर फार्म आपका स्वागत है। हम लोग कार्डियोटॉनिक का जो अगला ड्रग है और आखिरी ड्रग है वो है अर्जुना। ठीक है, आप लोगों को आखिरी ड्रग पढ़ना है कार्डियोटॉनिक में अर्जुना। ठीक है, तो अर्जुना का अगर हम लोग बात करें तो अर्जुना का हम लोग बार्क लेते हैं या स्टीम पार्ट से लेते हैं, पेड़ का जो तना होता है उससे लेते हैं या उसके ब्रांचेस से लेते हैं। ठीक है, लोअर स्टीम पार्ट से लेते हैं। तो अर्जुना का बार्क लिया जाता है। अर्जुना का बार्क एक पेड़ होता है अर्जुना का, जिसका बायोलॉजिकल नेम है आपको टर्मिनेलिया अर्जुना रॉक। ठीक है, जो किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो कॉम्बिटेरेसी। तो अब क्या लिखोगे बायोलॉजिकल सोर्स में कि अर्जुना इज ड्राइड स्टीम बार्क, ठीक है, ऑफ प्लांट टर्मिनेलिया अर्जुना रॉक बिलोंगिंग टू फैमिली कॉम्बिटेरेसी। ठीक है, बिलोंगिंग टू फैमिली कॉम्बिटेरेसी, तो ये आपका बायोलॉजिकल सोर्स है। अगर जियोग्राफिकल सोर्स की बात करें तो जनरली ये इंडियन पेनिसिलिया रीजन में पाया जाता है, यानी कि इंडियन रीजन में पाया जाता है, और ख़ास करके ये छोटा नागपुर में एरिया जो है, छोटा नागपुर वाला, उसमें ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कॉमनली उसमें आराम से पाया जाता है। अगर इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट बहुत ही डिटेल्ड है और ईजी है, नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत ज़्यादा डिटेल में है और आपको सारे चीज़ें इसमें याद करनी है, आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो। अगर एग्जिट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो ये सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला चीज़ है कि जो ड्राई बार्क होता है, जो स्टीम से हम लोग लेते हैं, स्टीम से, ठीक है, जो स्टीम से लिया जाता है, उसमें 20-24% आपको टेनिन्स होता है। ठीक है, जो पार्ट आपको स्टीम से मिलता है बार्क, उसमें 20-24% टेनिन्स होता है, और जो ब्रांचेस से मिलते हैं लोअर ब्रांचेस से, उसमें 15-18% का टेनिन पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपसे एग्जिट एग्जाम में पूछ देगा ये चीज़ कि अर्जुना बार्क जो स्टीम से मिलता है उसमें कितना परसेंट टेनिन है, ऑप्शंस होंगे, या फिर जो ब्रांचेस से मिलते हैं उसमें कितना परसेंट टेनिन ऑप्शन होंगे। तो जो बार्क आपको मिलता है उसमें 20-24%, और जो आपको ब्रांचेस होता है 15-18%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो इसमें टेनिन्स पाए जाते हैं वो दो तरह के होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं। एक होता है आपको हाइड्रोलाइसेबल, एक होता है कंडेंस टेनिन्स। ठीक है, एक हाइड्रोलाइसिस वाला टेनिन्स होता है और एक कंडेंसेशन का प्रोसेस वाला टेनिन्स होता है। ठीक है, तो एक हाइड्रोलाइसेबल टेनिन्स, एक कंडेंस टेनिन्स। अब ये भी एग्जिट एग्जाम का एक क्वेश्चन है कि अर्जुना बार्क में दो तरह के टेनिन्स होते हैं, या कौन से टेनिन्स पाए जाते हैं, ए हाइड्रोलाइसेबल, बी आपको कंडेंस, सी नन ऑफ देम, और डी ए बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि इसमें हाइड्रोलाइसेबल और कंडेंसेबल दोनों तरह के टेनिन्स पाए जाते हैं। टेनिन्स जो होते हैं वो आपको कैटेकॉल, गैलो कैटेकॉल, एपी कैटेकॉल, एपी गैलो कैटेकॉल, एलर्जिक एसिड, ये पांच तरह के टेनिन्स इसमें होते हैं। अब ये आपको एग्जिट एग्जाम में नहीं आने का चांसेस कम है। ठीक है, बट क्वेश्चन बन सकता है, कोई ये नहीं है, लेकिन आने के चांसेस कम है। लेकिन एग्जाम में आपको लिखना है कि टेनिन्स जो होते हैं वो कैटेकॉल, गैलो कैटेकॉल, एपी कैटेकॉल, एपी गैलो कैटेकॉल एंड एग्लिक एसिड से पाया जाता है। इसके अलावा इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो अर्जुनोलोन, अर्जुनोन, बाइकेलिन, ये तीन तरह के फ्लेवोनॉइड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम अर्जुनोलोन, अर्जुनोन एंड बाइकेलिन। ठीक है, इसके अलावा इसमें ट्राईपेप्टेनॉइड कंपाउंड भी पाए जाते हैं, जिसका नाम है आपको अर्जुनटीन, अर्जुजेनिन, अर्जुन ग्लाइकोसाइड 1 एंड ग्लाइकोसाइड 2, ट्रेमिनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका जो आपको ट्राइटर्पोनॉइड वाला पार्ट है उसमें आपको क्या क्या पाया जा रहा है, अर्जुनटीन, अर्जुनजेनिन, अर्जुन ग्लाइकोसाइड 1 एंड 2 एंड ट्रेमिनोइक एसिड। अब एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ तक का जो पार्ट है, यहाँ तक का, ठीक है, ये पार्ट यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है, इसमें आपको सारे चीजें, चाहे आपको टेनिन्स थे, उसके अलावा आपको फ्लेवोनॉइड थे, उसके अलावा आपको ट्राइटर्पेनॉइड थे, ये तीनों चीज आपको बार्क में पाए जा रहे हैं। ठीक है, एकदम ध्यान से, आपको बार्क में क्या क्या पाया जा रहा है, टेनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, ट्राइटर्पेनॉइड्स, ये सारे चीज आपको बार्क में मिल रहे हैं अर्जुन के पेड़ के। तो ये एग्जिट एग्जाम का एक क्वेश्चन बना कि आपको बार्क में कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिलते हैं, कोई एक नाम होगा, बाकी अलग अलग तरह के नाम होंगे, आपको नाम याद रखना है, या तो फिर आपको टेनिन्स है, या फ्लेवोनॉइड है, या ट्राइटर्पेनॉइड है। ठीक है, आपसे ट्राइटर्पेनॉइड कौन कौन से हैं वो तो नहीं पूछेगा, फ्लेवोनॉइड कौन कौन से नहीं पूछेगा, लेकिन जो क्वेश्चन होगा इजी होगा, हार्ड नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ट्रिकी होगा, कंफ्यूज करने वाला होगा। तो एमसीक्यू में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है कि अर्जुन के बार्क में आपको टेनिन्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और ट्राइटर्पेनॉइड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब रूट की बात करें, इसके रूट में कुछ कुछ पार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहला है अर्जुनोसाइड 1 एंड 2, टर्मिनिक एसिड, एलोइक एसिड, अर्जुनिक एसिड, अर्जुनोइक एसिड।
तो जितना एसिड वाला पार्ट है वो आपको रूट में है। तो कॉमन ट्रिक के हिसाब से याद करना पड़े तो याद रखिए कि रूट के अंदर में आपको अर्जुनोसाइड 1 और 2, इसके अलावा आपको टर्मिनिक एसिड, ओलिक एसिड, अर्जुनिक एसिड एंड अर्जुनोइक एसिड, जितने भी एसिड है आपको रूट में पाया जाता है। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर देख रहा हूँ इसका, 3 आपको बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये आपको अर्जुनॉल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका एक कीटोन ग्रुप है, ठीक है, ये आपको अर्जुनॉल है और यहाँ पे आपको अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। लेकिन अगर यही अल्कोहलिक ग्रुप को OME के साथ, यहाँ पर मान लीजिए OME, यहाँ OME और यहाँ OME लगा देते हैं तो आपको बन जाएगा अर्जुनॉन, ठीक है, अर्जुनोलोन से हो जाएगा अर्जुनॉन, ठीक है। वैसे ही आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, अर्जुनोग्लाइकोसाइड 3, अर्जुनोग्लाइकोसाइड 3 में क्या है, एक ट्रांस पोजिशन है, एक सीस पोजिशन है, ठीक है। तो ट्रांस और सीस में आपको अल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। अगर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप को हटा दी, ये आपको, ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको अर्जुनोग्लाइकोसाइड 3 का है, ठीक है। अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ से हटा दिया जाए और यहाँ पे लगा दिया जाए तो ये आपको हो जाता है ट्राई टर्मिनोइक एसिड, ठीक है, ये आपको हो जाता है टर्मिनोइक एसिड। तो होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, स्ट्रक्चर हार्ड नहीं है, आपको सिर्फ 2 स्ट्रक्चर याद रखने हैं, एक ही स्ट्रक्चर, करना क्या है, स्ट्रक्चर में क्या करना है ध्यान से देख लीजिए। अगर OH है सब में इस स्ट्रक्चर में तो आपको अर्जुनोलोन है, अगर OH की जगह पे OME लगा देते हैं तो आपको अर्जुनॉन बन जाता है, ठीक है। इसी में भी आप देखिए, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये जब तक यहाँ पर लगा हुआ आपको अर्जुनोग्लाइकोसाइड 3 है, और अगर यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप को यहाँ पे लगा देते हैं तो आपको ये ट्राइटर्मिनोइक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो होप सो कि आपको अर्जुना समझ में आया होगा। हाँ, यूजेस पे आते हैं, एक यूजेस बच गया, ठीक है, यूजेस पे आते हैं। तो ये 2 तरह के यूज में होते हैं, एक डायबिटिक्स में होता है, एक आपको एस्ट्रोजेंट होता है, सबसे पहला चीज। अब डायबिटिक्स क्या होता है, तो कल भी लोग देखे थे कि डायबिटिक्स एक ऐसा ड्रग होता है जो हमारे बॉडी में से यूरिन का आउटफ्लो बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि ब्लड का कंसंट्रेशन कम हो जाए, बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो डायबिटिक्स का काम क्या है, यूरिन आउटफ्लो बढ़ा देना या फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करना। इसको हम लोग वाटर पिल्स भी बोलते हैं, जो दवा होती है ना डायबिटिक्स की, उसको वाटर पिल्स भी बोला जाता है। उसके अलावा ये एज अ एस्ट्रोजेंट यूज होता है। एस्ट्रोजेंट का मतलब ये होता है कि ये हमारे स्किन को श्रिंक करता है, छोटा करवाता है, ठीक है, सिकुड़वाता है, टिश्यू जो होते हैं ना उसको सिकुड़वाता है। उससे क्या होता है कि जो पोर्स होते हैं स्किन में वो पोर्स सिकुड़ जाते हैं। उससे 2 फायदा होता है, एक ब्लीडिंग बंद करने में बहुत अच्छा काम आता है एस्ट्रोजेंट, दूसरा अगर ऑयल सिक्रेशन को बॉडी से रोकना होता है स्किन के ऊपर तो वहाँ पर एस्ट्रोजेंट बहुत अच्छा काम आता है, ठीक है। तो एस्ट्रोजेंट का ये 2 काम होता है। तीसरा चीज़ आपको डायबिटिक्स क्यों है इसमें, तो डायबिटिक्स होने का रीज़न है ट्राइटर्पेनोइड। ट्राइटर्पेनोइड कहाँ पाया जा रहा था, बार्क में पाया जा रहा था। तो ये जो बार्क में ट्राइटर्पेनोइड होता है उसी की वजह से अर्जुना डायबिटिक्स अपना एक्शन दिखा पाता है, ठीक है। तो ट्राइटर्पेनोइड की वजह से डायबिटिक्स अपना एक्शन दिखा पाता है। तो एग्जिट एग्जाम का ये एक और क्वेश्चन बन गया। उसके अलावा ये कहाँ यूज़ होता था, तो बहुत पहले और अभी भी यूज़ होता है, जब एलोपैथिक नहीं थी तो वहाँ पे भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए हम लोग, और हार्ट रेट को नॉर्मल करने के लिए हम लोग अर्जुना का उपयोग करते थे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे, अगर कोई डाउट होता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, आपको जवाब हम जरूर देंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।